गाइज स्वागत है आपका प्ले विद क्रिश की एक और नई वीडियो में। तो गाइज मैं काफी दिनों से रियल क्रिकेट 24 खेल रहा हूँ और मैंने अपने चैनल पर रियल क्रिकेट 24 के ऊपर काफी सारी वीडियोस डाल दी है। आप लोगों ने मेरी सभी वीडियोस में बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है तो यार उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब दोस्तों काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई रियल क्रिकेट 24 में बॉलिंग करके दिखाओ यार, विकेट देना बहुत मुश्किल हो गया है। RC20 में फिर भी थोड़ा ईजी था बट रियल क्रिकेट 24 में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा जिसमें आप बॉलिंग करके रियल क्रिकेट 24 में जितनी चाहे उतनी विकेट हासिल कर सकते हैं। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले डिफिकल्टी हम रखेंगे मीडियम। इसके बाद दोस्तों जितने भी आपके फास्ट पेसर हैं उनको आपको स्पिनर के साथ बदल देना है। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करना है। अब स्पिनर चूज करने के बाद फील्डिंग आपको कुछ इस तरीके से चूज करनी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यही सेम फील्डिंग आपको रखनी है। अब दोस्तों जैसे हमने सभी स्पिनर चूज किए थे तो आपको स्पिनर के साथ ही बॉल डालनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉल एकदम पैरों के पास पिच करनी है, कुछ इस तरीके से यॉर्कर आपको डालनी है और आप जैसे ही बॉल को हाथ से रिलीज करें तो आपको बॉल को अंदर की तरफ घुसाना है कुछ इस तरीके से और स्पीड एकदम स्लो रखनी है। तो यहाँ पे जैसे आप बॉल डालेंगे आपको आसानी से एक विकेट मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्पिनर सामने है और यहाँ पे बॉल यॉर्कर में डालूंगा, बॉल अंदर की तरफ घुसेगी, स्पीड एकदम स्लो। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि बैट्समैन एक गलती करेगा और विकेट हमें मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फील्डिंग आपको कुछ इसी तरीके से सेट करनी है। यहाँ पे आप देखिए बॉल मैंने यॉर्कर डाली, बॉल अंदर की तरफ घुसेगी, स्पीड एकदम स्लो और यहाँ पे मैंने एक फील्डर खड़ा किया है और आप देखेंगे कि बैट्समैन जैसे शॉट मारेगा आसानी से कैच मुझे मिल जाएगी। तो गाइज इस ट्रिक को यूज करके आप रियल क्रिकेट 24 में जितनी चाहे उतनी विकेट हासिल कर सकते हैं।